हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका और काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस है, बिकॉज ये जो नोटिस है दोस्तों, ये आपके टाइम टेबल को लेके है। यस दोस्तों, मैं इस समय आपको बता दूं कि किन किन स्टूडेंट का टाइम टेबल आ चुका है, और जैसे ही ये बताओ तो प्लीज़ सर वीडियो को कट करके मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाने के बजाय होल्ड करना, इस वीडियो को पूरा देख लेना। बाद में भी आप मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे जा सकते हो, लेकिन वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहाँ से पूरे पीडीएफ बहुत आसानी से ओपन हो जाएंगे यहाँ वहाँ जाने के बजाय। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज इसी तरीके से अपडेट वीडियो आप तक आते रहेंगी। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो FY BEP का भी टाइम टेबल आ चुका है सेम वन, FY BCOM के भी सेम वन का आ चुका है, FY BSC IT CS के स्टूडेंट का भी आ चुका है, FY BSC IT के स्टूडेंट का भी आ चुका है, सेम वन सेम टू का भी आ चुका है, PGDFM के सेम वन सेम टू का भी एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, PGDORM के सेम वन सेम टू के स्टूडेंट का भी टाइम टेबल आ चुका है, FY BCOM सेम टू का भी एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, SY BCOM सेम थर्ड के भी टाइम टेबल आ चुके हैं, SY BSC IT के भी सेम थर्ड के टाइम टेबल आ चुके हैं। अब इसमें बात आती है कि सर कौन सा रिपीटर स्टूडेंट के लिए है, कौन सा फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और पूरा देखिए, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए। मैं सब चीज़ आपको डिटेल में बता दूंगा कि किधर और कहाँ आने वाला है। देखिए दोस्तों, पहली बात, जैसे कि मैंने इस वक्त अभी चालू किया है FY BCOM के स्टूडेंट का टाइम टेबल चालू किया है, और ये टाइम टेबल फ्रेशर और रिपीटर दोनों स्टूडेंट के लिए, ये सेम वन का है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बार टाइम टेबल पर नज़र डाल लीजिए, लेकिन उसके पहले इस इन्फॉर्मेशन को देखना ना भूलिए कि आपका जो टाइम स्लॉट है वो सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो, लेकिन को 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम टाइम होगा। ठीक है, आपका स्लॉट 1 बजे बंद हो जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम 12:30 बजे चालू किया तो आपको सिर्फ हाफ एन आवर मिलेगा, बिकॉज 1 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। तो आप 9 से 10 के बीच में एग्ज़ाम दे सकते हो, 10 से 11 के बीच में, 11 से 12, इस तरीके से स्लॉट आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, जो टाइम टेबल है 29 मार्च से आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है, टाइमिंग तो आप सभी के लिए सेम है, 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में एग्ज़ाम देना है। पहला पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर 30 तारीख को भी आपका एग्ज़ाम है 30 मार्च को। दूसरा पेपर जो आपका होने वाला है कॉमर्स का, और कोर्स का कोड दिया हुआ है, आप उससे भी पता कर सकते हो। फिर 31 मार्च को दोस्तों आपका फाउंडेशन कोर्स है जो 75 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, वो दिखा देता हूँ वो भी कैसा है। 1 अप्रैल को दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स। 4 अप्रैल को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड 5 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों ये है इन्वायरमेंटल स्टडी, 6 अप्रैल को जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो मैथमेटिक एंड स्टेटिस्टिक है, मतलब मैथ्स का एग्ज़ाम है। देन 7 अप्रैल को दोस्तों आपका फाउंडेशन कोर्स का जो 25 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम था वो होने वाला है, जिसमें 10 क्वेश्चन कंपलसरी है, 30 मिनट दिया जाएगा, और जो आपको सिलेबस होंगे जो तैयारी करना है वो मॉड्यूल यूनिट नंबर 1 और 2 से तैयारी करना है। तो ये FY BCOM का था। अब हम बात करते हैं रिपीटर स्टूडेंट के लिए ओनली है जो सेम टू का है, ये भी FY का ही है, लेकिन इधर आपको SY दिखा रहा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये FY सेम टू क्योंकि FY BCOM में ही होता है, और सब्जेक्ट से भी आपको नीचे पता चल जाएगा। लेकिन ये जो रिपीटर स्टूडेंट का टाइम टेबल है, इसका जो टाइम चालू होने वाला है दोस्तों, ये दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में, इसमें भी आपका जो टाइम स्लॉट है वो 1 आवर्स का है, कोई भी एक टाइम स्लॉट आप बीच में ले सकते हो। इनका भी पेपर 29 मार्च से ही चालू हो रहा है, पहला पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सेकेंड पेपर 30 मार्च को कॉमर्स का, ये सेम टाइम टेबल है। 31 को दोस्तों फाउंडेशन कोर्स है, फिर देन उसके बाद 1 अप्रैल को बिजनेस इकोनॉमिक है, 4 अप्रैल को बिजनेस कम्युनिकेशन है, 5 अप्रैल को इन्वायरमेंटल स्टडी है, 6 अप्रैल को मैथमेटिक्स है, और 7 को आपका फाउंडेशन कोर्स का 25 मार्क्स का फिर से है। अब बात करते हैं SY BCOM की दोस्तों, तो SY BCOM के थर्ड सेम के ये स्टूडेंट के लिए
ओनली फ्रेशर स्टूडेंट, कोई भी रिपीटर स्टूडेंट इसमें नहीं है, फ्रेशर स्टूडेंट हर सेम के स्टूडेंट का है। दोस्तों जो इनका टाइम टेबल है, इनका एग्जाम जो है 30 मार्च से चालू हो रहा है, पहला फाउंडेशन कोर्स। इसमें थोड़ा इधर ब्लर दिख रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो टाइम टेबल अपलोड किया हल्का सा ब्लर है, लेकिन मुझे क्लियर दिख रहा है, मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको लिंक दिया वो भी बता दूंगा। 75 मार्क्स का आपका पेपर है दोस्तों। 31 को आपका जो एग्जाम है फाउंडेशन कोर्स का, वो 25 मार्क्स का जो एग्जाम है, 75 का ऊपर हो गया, 25 का नीचे हो जाएगा। इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आने वाला है, 30 मिनट का पेपर होगा। 1 अप्रैल को दोस्तों आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, 4 अप्रैल को आपका दोस्तों फाइनेंस अकाउंटिंग एंड ऑडिट है। अगर कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट है। 5 अप्रैल को दोस्तों आपका कॉमर्स का एग्जाम है, 6 अप्रैल को दोस्तों आपका बिजनेस इकोनॉमी का एग्जाम है, 7 को दोस्तों आपका एडवर्टाइजिंग है, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस है, और 8 तारीख को दोस्तों आपका बिजनेस लॉ है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा था आपका टाइम टेबल। लेकिन बात करते हैं जो अदर स्टूडेंट है बीएससी आईटी, ठीक है, जैसे कि इधर मैंने आप लोगों को दिखाया, और पीजी डीएफएम, इन सबको टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आओगे, मेरे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप जैसे ही जाओगे, फिलहाल तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, इसे पुश कर देता हूँ। सो दोस्तों एक मिनट, एडवर्टाइजिंग स्कीप। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इसे बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे ही नीचे आओगे, इधर देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको आना है, ठीक है, इधर अपना सो एंड मोर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे, इधर आपको दिखेगा एग्जाम टाइम टेबल लिंक, बस दोस्तों आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एग्जाम टाइम टेबल लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक पोस्ट ओपन होगा, इधर लिखा हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन टाइम टेबल। और जैसे ही दोस्तों आप नीचे करोगे, तो आपको इस जगह पे, ठीक है, पूरे FYBEF का सेम वन का लिंक दिया हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करो या इसके ऊपर आपका PDF ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी के जितने भी कोर्स आपको मैंने उधर दिखाए थे, सभी के आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से आप बहुत इजीली ओपन कर लोगे। और ये लिंक दोस्तों मैं मेरे WhatsApp पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करने वाला हूँ, और आपको इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस आर्टिकल के एंड में आपको जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो फिर से देखने मिल जाएगा। तो अगर आपको डाउट हो तो फिर से इस वीडियो को देख के वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो यार इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।